जिनकी कामयाबी का सफर नहीं रहा आसान, जिनको एक्टर बनने का बचपन से ही था फीवर, जिनको स्क्रीन पर देखने के बाद करोड़ों लड़कियों को लगा कि कहीं तो होगा ऐसा हम सफर। आज ऐसे ही एक सुलझे हुए और बेहतरीन एक्टर की कहानी लेकर आए हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे राजीव खंडेलवाल के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल वाले बटन को भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव खंडेलवाल का जन्म हुआ 16 अक्टूबर 1985 में जयपुर राजस्थान के मारवाड़ी फैमिली में और इनकी फिलहाल उम्र की बात करें तो वो है 36 साल। राजीव की फैमिली में कुल मिलाकर 5 लोग हैं। उनके पिता जो रिटायर कर्नल हैं, उनकी माँ, उनके बड़े भाई और छोटे भाई। राजीव की स्कूलिंग हुई केंद्र विद्यालय जयपुर से और फिर उन्होंने ली बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद। राजीव की सोच हमेशा अपने परिवार से बहुत अलग रही है। पूजा पाठ के मामले में भी वो सभी से अलग रहे हैं। राजीव के मुताबिक वो नास्तिक नहीं है मगर उन्हें अंधविश्वास से सख्त नफरत है। उनका कहना है कि इंसान के कर्म ही उन्हें अच्छे फल दे सकते हैं मगर उनको पूजा पाठ करने वालों से कोई तकलीफ नहीं है। राजीव ने ये बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, लेकिन उनका एक्टिंग बनने का सफर काफी कठिन रहा। जब वो 3री क्लास में थे तब उन्होंने एक स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया था और उसमें उन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया था। उसी दिन स्टेज से उतरते ही उन्होंने ये ठान लिया कि उन्हें बड़े होकर एक्टर ही बनना है। वैसे ये तो थी स्कूल की बात। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे स्कूल में कुछ भी बनने का सपना देख लेते हैं बिना ये सोचे कि उन सपनों को पूरा करने के पीछे कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ हुआ राजीव के साथ डिग्री कॉलेज तक आते आते। उन्होंने अपना एक्टर बनने का सपना कहीं पीछे छोड़ दिया और कॉलेज खत्म होने के बाद जब उन्हें समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है लाइफ में, तब उन्होंने UPSC ऑफिस में अपना फॉर्म भेज दिया एक आर्मी ऑफिसर बनने के ख्याल से। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी तकदीर भगवान ऊपर से ही लिख के भेजता है, तो शायद राजीव के किस्मत में आर्मी ऑफिसर बनना लिखा ही नहीं था। तभी तो उनका फॉर्म एक दिन लेट पहुंचा और नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने का मतलब था कि 6 मंथ वेट करना और घर में खाली बैठना, जो राजीव को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तभी उन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत अगर वो एक्टिंग की फील्ड में करें जहां उनका इंटरेस्ट है तो शायद फेल होने के बाद भी उतना दुख नहीं होगा। और इसी वजह से राजीव के माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो अपनी कजिन के फ्लैट में कुछ ड्राइवरों के साथ रहने लगे। राजीव का ये टाइम बहुत ही दुख भरा था। उन्हें देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उन्होंने कभी भी ऐसी लाइफ भी जी होगी। तब उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। पैसे कमाने की ज़रूरत ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि जयपुर से दिल्ली आकर पेंटिंग बेचने लगे। वो अपने फैमिली से 2 साल से टच में नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी जब उन्होंने दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को असिस्ट करना शुरू कर दिया। उस दौरान राजीव उन्हीं के ऑफिस में सोया करते थे। कुछ समय बाद राजीव इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे और उनकी कंडीशन भी सुधरने लगी। जब उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉन्च हुई TV पर, तब उन्होंने 3 साल में पहली बार अपने घर पर कॉल किया और अपनी पहली कमाई से अपने पेरेंट्स के लिए एक कॉर्डलेस फोन खरीदा। चलिए बात करते हैं राजीव की करियर के बारे में। राजीव को उनके करियर में सफलता इतने आसानी से नहीं मिली। उन्हें काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा सक्सेस पाने के लिए। राजीव जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे तब राजीव अपने शो को सेल करने निकले थे तो किसी को शो का आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उन लोगों को राजीव बहुत पसंद आ गए और उन्हें कुछ ब्रांड के लिए मॉडलिंग के लिए सेलेक्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहां से शुरू हुआ उनके एक्टर बनने का सफर। साल 2002 में राजीव ने अपनी TV करियर की शुरुआत की सीरियल क्या हादसा क्या मुलाकात से, जिसमें वो एक नेगेटिव किरदार निभा रहे थे। वेल इस शो में राजीव का एक कैमियो था। इसके बाद उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स की सीरियल कहीं तो होगा को साइन कर ली थी एज अ मेन लीड एक्टर, लेकिन भगवान हर कदम पर राजीव की कड़ी परीक्षा लेते गए। कहीं तो होगा सीरियल अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हुआ,
जिसकी वजह से राजीव टीवी से लंबे समय तक गायब हो गए। शुरू शुरू में शो का टाइम भी उन्हें परेशान कर रहा था। उनको लगा कि रात 11 बजे कोई भी इस सीरियल को नहीं देखेगा, लेकिन ये सीरियल बहुत हिट हुआ और साथ ही राजीव का कैरेक्टर सुजल को बहुत पसंद किया गया। इसी वजह से आज भी कुछ लोग राजीव को सुजल ही बुलाते हैं। साल 1989 में राजीव ने टेलीविजन पे डेब्यू किया शो बनफुल महाराज से, साल 2002 में क्या हादसा क्या हकीकत से और साल 2003 में कहीं तो होगा, साल 2005 में टाइम बॉम्ब 9/11, 2006 में राजीव ने होस्ट किया गेम शो डील या नो डील, कुछ समय के लिए वो दिखे सीआईडी में भी, उसके बाद ये दिखे लेफ्ट राइट लेफ्ट सीरियल में। साल 2011 में इन्होंने होस्ट किया दो रियलिटी शो जिसका नाम था सच का सामना और सुपर कार। साल 2015 में एक बार फिर इन्होंने होस्ट किया एक रियलिटी शो जिसका नाम था माय इंडिव्योर और फिर 2015 में उन्होंने किया टीवी में कमबैक रिपोर्टर से। राजीव उन गिने चिनो एक्टरों में से हैं जिन्होंने छोटे पर्दे के अलावा बड़े पर्दे पे भी अपना कमाल दिखाया। साल 2008 में उन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म आमिर से। साल 2011 में वो दिखे शैतान में और सोहा अली खान की अपोजिट फिल्म साउंडट्रैक में। साल 2012 में राजीव ने काम किया फिल्म विल यू मैरी मी में और फिर 2013 में टेबल नंबर 21 एंड इश्क एक्चुअली में। साल 2014 में राजीव की फिल्म पीटर गया काम से, जो सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी, उसी साल राजीव ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सम्राट एंड कंपनी में भी काम किया। साल 2016 में राजीव दिखे डॉक्यूमेंट्री फिल्म द लेजेंड ऑफ जगन्नाथ एज अ होस्ट एंड 2016 में फीवर में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। राजीव को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि साल 2004 में इंडियन टेल अवार्ड बेस्ट फ्रेश न्यू फेस मेल फॉर कहीं तो होगा का अवार्ड्स इन्हें मिला था और दूसरा अवार्ड था बेस्ट टेलीविजन पर्सनैलिटी, बेस्ट ऑन स्क्रीन कुपल अलॉन्ग विद आमिना शरीफ कलाकार अवार्ड आदि। और भी दोस्तों बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं राजीव की लव लाइफ के बारे में। राजीव की लव लाइफ काफ़ी सिंपल रही है। जब वो शो कहीं तो होगा हमारा कर रहे थे तब उनका नाम आमिना उनकी को स्टार के साथ जोड़ा जाने लगा था। भले ही इन दोनों ने इस बात को झुठला दिया लेकिन राजीव और आमिना अक्सर साथ साथ पार्टी और इवेंट्स में दिखते थे। राजीव का कहना था कि वो और आमिना ऑन स्क्रीन काफ़ी अच्छे दिखते थे, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी थे, लेकिन जैसे इनका रिश्ता गुमनाम था वैसे ही चुपचाप इनका ब्रेकअप भी हो गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजीव की वाइफ के बारे में। साल 2011 में राजीव की शादी हुई उनकी गर्लफ्रेंड मंजलि से। कैसे हुई चलिए हम आपको बता देते हैं। इनकी मुलाकात काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से हुई है। मंजलि की बड़ी बहन राजीव के एक शो के लिए पीआर के तौर पर काम कर रही थी और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी वो राजीव से बात करती थी तो अक्सर अपने छोटी बहन मंजलि के बारे में वो बात किया करती थी और मंजलि की कुछ क्वालिटी ऐसी थी जिनको सुनकर राजीव को उनसे मिलने का मन किया और फाइनली 4 साल बाद राजीव को पीआर मंजलि की बड़ी बहन ने उन दोनों को मिलवा दिया और मिलते ही राजीव को मंजलि से प्यार हो गया और राजीव के मुताबिक इतने सालों में पहली बार इन्होंने किसी लड़की का नंबर सामने से मांगा था, वो भी उनकी बड़ी बहन से। देखते देखते दोनों ने 1.5 साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन राजीव को पता था कि मंजलि लाइमलाइन से अनजान है और उन्हें ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आएगी जब मीडिया उनके बारे में लिखना शुरू करेगी और उन्हें कवर करेगी। इसीलिए इन्होंने मंजलि को हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रखा है और राजीव को भी ये नहीं पसंद है कि कोई उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जाने, इसीलिए इन्होंने सबसे दूर जोधपुर में जाके शादी की थी। राजीव कहते हैं कि शादी के बाद उनके घर के इंटीरियर्स के अलावा ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। मंजलि बहुत ही सपोर्टेड वाइफ हैं, वो राजीव का हर फैसला में साथ देती हैं। राजीव ने 2007 में एक 5 साल की लड़की को भी गोद लिया था। आज राजीव के पास सब कुछ है जो एक इंसान को कंप्लीट करता है, एक अच्छी और अंडरस्टैंडिंग वाइफ, एक प्यारी बेटी, एक खूबसूरत बंगलो, एक सक्सेसफुल करियर, बस और क्या चाहिए किसी को। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इनके कुछ हॉबीज के बारे में। इनका फेवरेट फूड है एग भुर्जी स्पाइनेज। इनके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं काजोल, वाहिद रहमान। इनकी फेवरेट फिल्म है
बॉलीवुड की शक्ति और हॉलीवुड की हैची को। इनकी फेवरेट कलर है ब्लू एंड ब्लैक। फेवरेट परफ्यूम की बात करें तो है ब्लू ड्यू चैनल, और फेवरेट प्लेस की बात करें तो लद्दाख, हांगकांग, सिंगापुर और दुबई। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।